इसके लिए हजरत हमें आज दीन नहीं आता, हमें दीन नहीं आता। रात को हमारे प्रोग्राम थे और शदीद धुंध थी कि हद नज़र सिफर थी हजरत, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमने प्रोग्राम वालों से कहा हजरत जी ज़िंदगी बड़ी कीमती चीज़ है, तो माफ़ी दे दें फिर सही जी। ना टाइम देने तो पहले सोचना सी। अल्लाह तआला सड़कें खाली थी, कोई बेचारा वही निकला था जो हमारी तरह बड़ा मजबूर था, बाकी कोई भी नहीं था। हुज़ूर क्या फरमाते हैं, आयशा नरमी अख्तियार कर। नहीं हज़रत जी, माफल तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र का नाम है, ये सुलेमान का नाम माफल है। इसलिए हज़रत जी दीन सीखो, हमें दीन नहीं आता। अल्लाह उसूली तौर पे होना चाहिए, चाहिए था कि मौसम के ये तेवर देखे माफल वाले खुद ही हमें कहते हजरत आपने बड़ी दूर से आना है, बड़ी धुंध है, ज़िंदगी बड़ी कीमती चीज़ है, माफल फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, एक मुस्तहब अमल है। खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई हादसा हो जाए, जान चली जाए, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी दे हम तिलावत भी कर लेंगे, नाज शरीफ भी पढ़ लेंगे, जो हमारे मुकामी आलम दीन है वो को थोड़ा सा बयां भी कर देंगे, तो आप ना आए। लेकिन हमने जिस जिस को कहा ना, उन्होंने कहा ना टाइम देता था हूँ, भावे मरो तो भावे जीवो पहुँचो। इसलिए पुत्र मैं बस आपको इतना कहूँगा, दीन सीखो और नरमियाँ बांटो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जो दीन है वो मोहब्बत, और इसीलिए तो मैं कहता हूँ जी तकरीबन 75 साल हो गए पाकिस्तान बने, होने को हैं। हालांकि उन्हें चाहिए था कि हमारा किरदार देख के ना पाकिस्तान में जितने ईसाई हैं सारे मुसलमान हो जाते, अल्लाह उन्हें ये चाहिए था कि इन 75 सालों में हमारा किरदार देख के ना पाकिस्तान में जितने हिंदू बस रहे हैं सारे मुसलमान हो जाते। और किए हैं हमारे बड़ों ने, मैं को आपको कोई रांझा नहीं सुना रहा, किए हैं अदर जी। और अदर जी मेरी बात याद रखना, तलवार से आप मुल्क तो फतेह कर सकते हैं, दिल नहीं फतेह कर सकते अदर। मैं को तलवार का इनकार, जब इंशाल्लाह तलवार उठाने की कभी बारी आई तो फिर आपको बताएंगे हमें तलवार भी उठानी आती है। अगर कभी तलवार उठाने का वक्त आया ना, ये तो नहीं ना हजरत को जैद बकर उठ के जिहाद का ऐलान कर दे तो हम नहीं, जो जिहाद की शरायत हैं वो पाई जाएं तो इंशाल्लाह फिर हम आपको बताएंगे कि हमें तलवार उठानी नहीं चलानी भी आती है अल्लाह के बदले, ठीक है। लेकिन पुत्र अपनों तो भी ना उठाते हैं हमारे, आप तलवार से मुल्क फतेह कर लेंगे, आप तलवार से दिल फतेह नहीं कर सकेंगे। इधर दिल किरदार से फतेह होंगे, इधर दिल किरदार से फतेह होंगे। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा लिखा है कि आपका हमसाया मजूसी था, आतश परस्त था वो, क्योंकि हज़रत का तो मामूल था आप सारी रात नफल अदा फरमाया करते थे अपने सेन में ना, हज़रत आप क़याम फरमाया करते। वो एक रात हुआ इस तरह के हमसाये के घर से ना मुसलसल बच्चे के रोने की आवाज़ आती रही रात को, तो आपने जाना मुनासिब नहीं समझा। सुबह ज़रा थोड़ी गहमा गहमी हुई तो आपने दरवाजे पर दस्तक दे दी। अब अंदर से एक बापर्दा खातून ने दरवाज़ा खोला, आपने कहा सारी रात घर से बच्चे के रोने की आवाज़ आती रही है, खैर तो है? उसने कहा मेरा खावन तिजारत पे गया हुआ है, लेट हो गया है, उसकी गैर मौजूदगी में मेरे घर बच्चा पैदा हुआ है। अब वो जो पैसे दे के गया था वो ख़त्म हो गए, कितने दिनों से मैं भी भूखी हूँ, मेरे भूखे होने की वजह से अब सीने में दूध का कतरा भी नहीं, और आज रात को तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि हमारे घर में दिए में तेल डालने को भी नहीं था, बच्चा भूखा भी था, घर में अंधेरा भी था, बच्चा सारी रात रोता रहा। आप तड़प गए, बायज़ीद तू सारी रात नफल पढ़ता रहा, और साथ वाले घर में ये हाल था कि ना रोशनी थी और ना कुछ खाने को था, माँ भी भूखी थी, बच्चा भी भूखा था, तू कल जाके अल्लाह और अल्लाह के रसूल को क्या मुंह दिखाएगा? अब उसी वक्त बाजार गए, सौदा सल्फ खरीदा, जो ज़रूरत की अशिया थी सारी ला के दी। कहा मैं भी ध्यान रखूँगा, अगर तुझे भी कभी ज़रूरत पड़े तो तू मुझे इत्तला कर देना, मैं ख्याल रखूँ। मुख्तसर उसका खामद वापस आ गया, ज़ाहिर उसको भी पता था मैं लेट हूँ। उसने सबसे पहले आते सवाल ये किया कि पीछे से परेशानी तो नहीं हुई? उसने कहा बस एक दिन बड़ी हुई, फिर उसके बाद कोई नहीं हुई। उसने कहा एक दिन क्या हुआ? उसने कहा जो पैसे दे के गए थे ख़त्म हो गए, मैं भी भूखी थी, सीने में दूध भी कोई नहीं था, बच्चा भी भूखा था। उस रात तो ये हुआ कि जो दिया था उसमें तेल डालने को भी तेल मौजूद नहीं था, बच्चा सारी रात भूख और अंधेरे से रोता रहा। जो हमारे साथ रहती है ना बायज़ीद मुसलमान, सुबह होते उन्होंने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी, बच्चे के रोने की वजह पूछी,
मैंने आपका ना ना बता दिया, बच्चे का भूखा होना बता दिया, दिए में तेल का होना ना बता दिया, उसी को कि बाजार गए सारा कुछ खरीदा ला के मुझे दिया और कह के गए अगर फिर को परेशानी हो तो बताना, और वो ही खबर लेते रहे मेरी। अब वो कहता है बाकी काम तो बाद में करूँगा, चलो पहले मैं जरा जाके हजरत बायजीद का शुक्रिया अदा कर लूँ। वो आपका शुक्रिया अदा करने आया, हजरत मैं आपका हमसाया हूँ, आपने बड़ी शफकत फरमाई मेरी गैर मौजूदगी में, तो मेरा शुक्रिया कबूल फरमा ले। अब आगे से फरमाने लगे भाई तू शुक्रिया छोड़, बस ये मुझे बता वो जो सारी रात बच्चा रोता रहा उस पर तूने मुझे माफ़ कर दिया है? हाँ पता। इस तरह इस्लाम फैला है, इस तरह इस्लाम फैला, जिस तरह हम फैलाने निकले हैं इस तरह नहीं फैलेगा, इस तरह इस्लाम फैला है। वो आगे से हैरान होकर अर्ज करता है हजरत मैं आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ, आप ऐसी बातें कर रहे हैं? हमने फरमाया नहीं, हमने जिनसे दीन सीखा और उन्होंने जिनसे सीखा उनको सहाबा कहते हैं, और सहाबा रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहि सलातो सलाम हमसाए के लिए इतनी ताकीद फरमाया करते थे कि हमें गुमान हो गया था कि हुजूर नबी अलैहि सलाम हमसाए को वरासत में शरीक ना कर दें, रखो हमसाए का ध्यान रखो, हमसाए का ध्यान रखो। और यहाँ ये हालत थी, बायजीद नफल पढ़ रहा था और छोटा बच्चा भूख और अंधेरे से रोता रहा, तू शुक्रिया को छोड़ बस ये बता तूने मुझे माफ़ कर दिया। आगे से फिर वो मजूसी कहता है हजरत आप भी फिर माफ़ी को छोड़ें और कलेमा पढ़ा के ना मुझे सोने दीन में दाखिल कर लें। फरमाया आयशा नरमी अख्तियार, आयशा नरमी, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा नरमी, पुत्र गलती बंदे से ही होते हो जाए तो माफ़ी मांग लो, लेकिन गलती होने का ये मतलब नहीं कि बंदा रुक ही जाए, नहीं चलते रहो, गलतियाँ होंगी बस जहाँ हो वह माफ़ी मांग लेना, वो चलते रहना, मट्ठी मट्ठी चाल ना छड़ी। लोगों की बातों से कभी दिल छोटा ना करना, हमें तो सिर्फ बातें होती हैं ना, हमारे महबूब के रास्ते में तो कांटे भी बिछाए गए थे, आप पे तो दौरान नमाज ऊँट की ओजरी भी रखी गई थी। लोगों की बातों से दिल छोटा नहीं करना, इनका काम ही बातें करना है। मट्ठी मट्ठी चाल ना छड़ी, मट्ठी मट्ठी चाल ना छड़ी, कुछ ना कुछ बन जासी, आखिर एक दिहाड़े नफ्स कमीना मैदानू नस जासी। हैं इनका काम ही है, तू चलता रहना, तू चलते, इनका काम ही है, इनका काम ही है, तू चलते रहना, चलते रहना, बस तू चलते रहना, तू चलते रहना है। और इस वक्त हजरत की ज़रूरत है पाकिस्तान को कि वो जो हुजूर नबी अलैहि सलाम का दीन है ना वो फैलाया जाए, साढ़े वाला नहीं, हुजूर का दीन जो है, जो हज़रत अबू बकर वाला दीन है, जो हज़रत उमर वाला दीन है, जो हज़रत उस्मान वाला दीन है, जो मौला मुश्किल कुशा वाला दीन है, जो हज़रत हसनैन करीम वाला दीन है, उसको फैलाया जाए, उसको फैलाया जाए। लेकिन पुत्र फैलाएंगे तो तब ना जब उसको खुद सीखेंगे, इसको सीखो जी, फैलाओ जी। आज आज दीन नहीं आता, आज बेयकीनी है, अफसोदा करो अपने अल्लाह से